Hi there guys, welcome to my channel Plutus 9 Jyoti. आज हम लोग पेरिस के सेंटर में हैं, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो आर्क द ट्रायम्फ है. आर्क द ट्रायम्फ शांज़ेलीज़े है, सबसे बड़ा और बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल एवेन्यू ऑफ पेरिस एंड ऑफ द होल वर्ल्ड. अब मैं आपको एक 360 डिग्री एंगल इसमें दिखाऊंगी पेरिस का, जिसमें आप देख सकते हो पेरिस की रोड्स. हम लोग सेंटर पेरिस में हैं शांज़ेलीज़े के पास, और मेरे पीछे यहाँ पे कॉनकॉर्ड दिखेगा. कॉनकॉर्ड में ओलंपिक गेम्स के बहुत ज्यादा साइट्स भी हैं. Somebody is honking behind me. Right? I'm just gonna continue my tour. So guys, जैसे मैंने आपको बताया अभी शांज़ेलीज़े के ऊपर है. मैं एक नेक्स्ट वीडियो ओनली शांज़ेलीज़े पे बनाऊंगी, मगर अभी एवेन्यू डी मोंटान की तरफ चलते हैं. तो आप जैसे देख सकते हो एवेन्यू टू शांज़ेलीज़े, और अब हम चल रहे हैं अपने सबसे फैशनेबल स्ट्रीट ऑफ पेरिस की तरफ. ये एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी है पेरिस की, जिसके आप डोर्स देख सकते हो बहुत सुंदर ब्लैक ग्रेश गोल्डन कलर के हैं. और आई होप कि मेरा माइक्रोफोन आज तरीके से काम करे, बिकॉज लास्ट टू वीडियोज में थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी. राइट, तो मेट्रो स्टेशन है फ्रैंकलिन द रूज़वेल्ट. आपको मैं लिंक में इसको फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, फ्रैंकलिन द रूज़वेल्ट. और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फेमस एवेन्यू द मोंटान. सो लेट्स गो. राइट, आपके पास दुकानें हैं ऑन द लेफ्ट and on the right you have got all the big brands, the showrooms. Acha, is video mein maza is cheez ka aayega ki not only I'll show you the showrooms, but I'll show you quickly how people are dressed up here. Today we are the 8th of May 2024. Theek hai, yahan pe ek public holiday hai, isliye streets pe aap logo ko log kafi kam dikh rahe hain. Bahut log hote hain normally yahan pe, magar because of the holiday aaj thode kam log dikh rahe hain aaj aapko. तो ये सेंटर ऑफ पेरिस में है. अगर आप आ रहे हो तो लाइक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है लंदन में, और फिफ्थ एवेन्यू न्यूयॉर्क में, एवेन्यू मोंटान है पेरिस का. रोड काफी वाइड है, नॉर्मली पेरिस में इतनी वाइड रोड्स होती नहीं है. बाद में मैंने आपको वीडियो में अगर रोड्स दिखा पाई जो नॉर्मल पेरिस में होती हैं वो दिखाऊंगी. तो ये डॉल्चिए गबाना है हमारे सामने, एक बड़ी बिल्डिंग डॉल्चिए गबाना की. और पहले मैं आपको बिल्डिंग्स से स्टार्ट करती हूँ. ये देखिए, ये जो पेरिस की हॉस्मैनियन स्टाइल, इनको बिल्डिंग्स कहा जाता है. मोस्ट जो सेंटर पेरिस है, जो सबसे एक्सपेंसिव एरिया है पेरिस का, वो सब ऐसी बिल्डिंग से बनाया गया है. ये बलेंसियागा शोरूम है. अच्छा, स्पेशल जो फीचर है वो ये है, जो आप ये ग्रिल्स देख रहे हो ये स्पेशली पेरिस के शीक एरियाज में पाई जाती हैं, ब्लैक और गोल्डन जो ग्रिल्स है. मुझे खुद को बहुत पसंद है ये ग्रिल्स, बहुत अट्रैक्टिव होती है. राइट, सेलीन का शोरूम है. अच्छा, मैं पहले अभी आई थी एक इंग्लिश वीडियो बनाने के लिए, मैं सेकंड टाइम उसी एरिया में चल रही हूँ. तो ये जो मोस्टली बाहर खड़े होते हैं ना शोरूम्स में, मेरे ख्याल से मेरे को पहचान रहे हैं कि अभी आई थी, ये फिर से आ रही है. एज यू कैन सी द कस्टमर्स भी आप देखिए, जो भी इन शोरूम से बाहर आ रहे हैं ना, हाउ दे लुक. आई लाइक व्हाट शी इज वेयरिंग टू. सो दिस इज ईव सैन लॉरेंट. आई एम श्योर कि ईव सैन लॉरेंट का बंदा मेरे को देख रहा होगा, बोल रहा होगा यार ये अभी एक वीडियो बना के गई थी, फिर से आ गई है. मगर आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ. अच्छा, दे लुक लाइक अमेरिकन टूरिस्ट. पीपल जनरली राइट नाउ पेरिस में बहुत ज्यादा स्ट्रीट लुक आ गया है. वो जो फॉर्मल एलिगेंट लुक था ना, वो इतना नहीं दिख रहा. फेंडी स्ट्रीट लुक बहुत आ गया, जैसे इन लोगों ने पहना हुआ है ना शनेल. जैसे आप कई लोग इन ब्रांड्स को जानते होंगे, कई लोग जो नहीं जानते उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगे ब्रांड्स हैं, जो आजकल इंडिया में भी आ गए हैं. आई थिंक दिल्ली में एम्पोरियो मॉल है, और आई एम श्योर बॉम्बे मैंने विजिट नहीं किया, मगर वहाँ पे जो जियो रिलायंस मॉल है उसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं.
मगर हाँ कंपैरेटिवली जो आपको यूरोप में मिलता है उसके प्राइसेस बहुत मतलब अफोर्डेबल होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट यू गेट इन इंडिया, क्योंकि एज ये ब्रांड्स यूरोप में बने होते हैं तो यूरोप में ज्यादा चीपर है इंडिया के मुकाबले। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग एवेन्यू डी मोंटान। मैंने आपको बताया कि नहीं ये 8th डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेरिस में है, पेरिस में इन टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये 8th डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे आपके पास शनेल का शोरूम है। अच्छा अभी मैं राइट में चल रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी थोड़ी देर में लेफ्ट पे जाने के लिए सो दैट वहाँ के बड़े शोरूम्स भी आपको पास से दिखा सकूँ। अच्छा दिखा देती हूँ वेरी क्विकली हाउ आई एम लुकिंग। सो दिस इज मी ज्योति योर होस्ट अगेन। आई होप मेरी टी शर्ट भी अच्छी लग रही हो। दिस इज हाउ वी आर। ठंड ज्यादा नहीं है, मई का महीना है और रफली 15 डिग्रीज है पेरिस में अभी। तो जो भी लोग समर्स के लिए आने की तैयारी कर रहे हैं जुलाई अगस्त में पेरिस आएंगे घूमने के लिए, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर सबसे अच्छा महीना होता है, काफी गर्मी होती है अराउंड 25 to 30, कभी कभी 40 पर भी पहुंच जाता है। लास्ट समर में 40 डिग्रीज था। तो जो भी आना चाहते हैं जस्ट मेक श्योर कि दोपहर में गर्मी होती है और रात को थोड़ी ठंड हो जाती है, तो अपना कोट लाना मत भूलिएगा। और अगर कोई खरीदना है तो यहाँ जैसे आप पीछे देख सकते हैं वर्साची विद अ लवली ग्रीन एरिया एंड द दैट ग्रिल्स जो मैं आपको दिखा रही थी। सो राइट वापस मैं घुमाती हूँ आपको, सिर्फ स्ट्रीट दिखाऊंगी। I'll get invisible now. So guys, roughly ये 1 kilometer का होगा ये पूरा का पूरा avenue जो है, 1-1.5 not more. ये Jimmy Choo का showroom है। तो Jimmy Choo का showroom, अच्छा ये जो लड़की जा रही है उसकी dress भी मेरे को काफी अच्छी लगी, काफी simple है। अच्छा ये लुक, लेट मी जस्ट ज़ूम इट इन। Jimmy Choo के शूज और बैग्स काफी ग्लिटरी है। राइट नाउ ग्लिटर का काफी स्टाइल आ गया, यू नो पहले ग्लिटर को कहा जाता था कि यार ये बड़ा शाइनी है एंड ऑल दैट, मगर आज बड़े बड़े मार्क्स Dolce & Gabbana, अभी जैसे Jimmy Choo आपने देखा काफी ग्लिटरी सामान बना रहे हैं। आगे चल रहे हैं, राइट पे एक रेस्टोरेंट है जो मुझे बहुत पसंद है, इसका नाम है लेवेन्यू। और जिस एरिया में अभी हम घूम रहे हैं पेरिस के, यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव पेरिस के रेस्टोरेंट्स, पेरिस के आर्ट गैलरीज, होटल्स, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। सो इफ यू आस्क फॉर गोल्डन ट्रायंगल इन पेरिस, दिस इज द एरिया व्हाट वी आर वॉकिंग राइट नाउ। मैं आपको रेस्टोरेंट का लुक दिखा देती हूँ कैसा है एवेन्यू। इसके अंदर पूरे वाइट डेकोर है अंदर एंड नॉर्मली फ्रेंच क्यूजीन है। अच्छा वहां पे दूर जैसे आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा डियोर का शोरूम है, सो आई थिंक मैं आपको डियोर के शोरूम के पास लेके जाऊंगी। और पीछे एक बड़ी लाइन भी है जैसे आप देख सकते हो, लेट्स गो। अच्छा मोस्ट ऑफ द शोरूम्स जो पेरिस में होते हैं लग्जरी शोरूम्स, इनके बाहर बहुत बड़ी लाइन होती है। ये ऐसे लगता है कि यू नो बहुत जैसे सस्ती दुकानों के सामने हो, मगर ऐसा कुछ नहीं है। दुकानें बहुत महंगी है मगर क्योंकि ब्रांड इतना डिमांड में होता है कि यहाँ पे लोगों को कभी कभी 1-1.5 घंटा भी वेट करनी पड़ जाती है। इसका लेदर कोट काफी ठीक दिख रहा है मुझे, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेट्स गो एंड सी कि वहां पे जो लाइन है वो किसके लिए। अच्छा सो द होल लाइन एज यू कैन सी, यहाँ पे डियोर की आर्ट गैलरी है। डियोर की गैलरी मतलब डियोर के जितने भी लोगों ने डिजाइनर गाउन्स बैग्स आज तक के बनाए हैं वो इस गैलरी में ये लोग लगा के रखते हैं, डियोर गैलरी इन पेरिस। इसके आगे बहुत बड़ी लाइन है जैसे आप देख सकते हो, जस्ट फॉर द गैलरी। आई थिंक यू हैव टू बाय अ टिकट फॉर दैट इफ यू वांट टू गो इनसाइड द डियोर गैलरी।
उनके वेबसाइट पे लिखा था, मेरे को याद नहीं है, बट इट्स रफली 15 या 20 यूरोस की है। अभी तो मैं गैलरी के अंदर नहीं जाऊंगी, आई जस्ट गोना कंटिन्यू माय टूर। और आज आपने जैसे मेरे पहले वीडियोस देखे हैं, मैं ला वैले शॉपिंग विलेज, गैलरीज लफायत, इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। उसके अंदर मैंने अंदर बुटीक्स के अंदर जाके आपको रेट्स दिखाए हैं सबके, कि कितने कितने रेट्स होते हैं। मगर राइट नाउ मेरा मूड नहीं है अंदर जाने का, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। मगर लाइन आप देख सकते हो योर डियोर गैलरी के सामने। आई होप आपको मेरा वीडियो अभी तक का पसंद आ रहा होगा। तो कभी भी आइएगा पेरिस, तो मेक श्योर यू रेडी टू स्टैंड इन द क्यूज, इवन दो यू आर रेडी टू शेल आउट लॉट ऑफ मनी। दिस इज द आयरनी अबाउट द प्लेस। सो चलिए, नाउ आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द आईफिल टावर। Let's just see. ये मेरा एक continuous video है, I hope I'll not break it. एक short, quick video आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, ताकि आप देख सको कि Paris की expensive गलियां कैसी लगती हैं, क्या showrooms मिलते हैं, लोग कैसे dress up होते हैं, and everything, you know, in nutshell about fashion and the whole vibe of the place. राइट, इसके रेट बाहर नहीं लगाए हैं लोगों ने, क्योंकि एज यू नो बिग शोरूम्स रेट्स बाहर नॉर्मली नहीं लगाते हैं। शैल आई क्रॉस? आई थिंक आई माइट क्रॉस। मैं क्रॉस करती हूँ, थोड़ा आगे इसी रोड पे चलती हूँ लेफ्ट में, और उसके बाद मैं क्रॉस करूंगी ऑन द राइट। ये सामने पेड़ों से ढका हुआ है, मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा ईव सैन लॉरेंट का शोरूम आने वाला है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और आप मेरे को एक कमेंट भी छोड़ सकते हो अगर जानना चाहते हो मोर पेरिस के बारे में। अच्छा, ये डियोर शोरूम है जिसमें सिर्फ बच्चों के कपड़े मिलते हैं, ओनली फॉर द किड्स। सो काफी ब्रांड्स किड्स मेक नहीं बनाते हैं, डियोर हैज मेड वन ऑफ देम, लाइक शनल डजंट हैव अ किड्स वेयर, यू नो। वैलेंटिनो, ओ लुक, आई विल ट्राई, बट नहीं, उससे पहले आई वुड लाइक टू शो यू जो लुई वीतों का यहाँ पे शोरूम है। लुई वीतों, एज यू नो, इट्स द लीडर ऑफ द मार्केट। We are at the 22 Avenue Montan. So ये पूरी की पूरी बिल्डिंग लुई वीतों की है यहाँ पे। I hope मजा आ रहा हो आपको। अच्छा, normally अगर कोई भी चीज आपको पसंद आ रही हो पेरिस में, आप चाहते हो मंगाना इंडिया में, तो इफ यू लाइक यू कैन गेट इन टच विद मी टू थ्रू माई यूट्यूब चैनल और थ्रू माई इंस्टाग्राम पेज विच इज Plutus9 Paris। तो आई एम गोना क्रॉस, बिकॉज मेरे को ना पीछे एक वैलेंटिनो का शोरूम दिखा था, एंड आई वुड लाइक टू कवर इट फ्रॉम बिट नियर, क्योंकि वैलेंटिनो मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली। आई लाइक हर शॉर्ट्स। तो चलिए आपको क्विकली वैलेंटिनो लेके चलते हैं, और उसके बाद हम वापस आईफिल टावर की तरफ जाएंगे। मजा आ रहा है ना देखने में? वैलेंटिनो की जैकेट दिख रही है मेरे को एक, और क्या है यहाँ पे ला वैले विलेज में, जो मैं वैलेंटिनो शोरूम के अंदर आपको लेके गई थी, उसमें काफी अच्छी ड्रेसेस भी थी। बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव तरीके से बनाया गया है ना शोरूम्स। सो द वैलेंटिनो कोर्ट, एंड दिस इज द एंट्रेंस फॉर द वैलेंटिनो शोरूम। अंदर तो मैं अभी नहीं जाऊंगी, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू आवर वॉक। गाइस, मुझे नहीं पता कि आपको यहाँ से अभी दिख रहा है, दूर आपको राइट पे ना रूफ टॉप्स दिख रहे हैं, द रेड कलर रूफ टॉप्स। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स ऑफ पेरिस, व्हिच इज कॉल्ड प्लाजा एथेने।
और प्लाजा एथेने में ही मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो आके रहे थे। मैं एक दो बार गई हूँ अंदर वेरी क्विकली फॉर सम स्पेशल इवेंट्स। दिस इज मैक्स मारा। मेरे को पर्सनली बहुत मजा आ रहा है ये वीडियो बनाने में बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन फैशन एंड यू नो डिजाइनिंग। तो आई होप जो भी लोग इंडिया में मेरा वीडियो देखें या वर्ल्ड वाइड हिंदी स्पीकिंग लोग जो भी मेरा वीडियो देखें, प्लीज मुझे बताइएगा इफ़ यू वुड लाइक मी टू कवर द डीओ गैलरी फ्रॉम इनसाइड और एनी स्पेसिफिक शोरूम फ्रॉम इनसाइड, यू नो आई बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। एक बहुत बड़ा ईव सेंट लॉरेंट का भी गैलरी है यहाँ पे पेरिस में। सो दिस इज आवर लवली प्लाजा एथेने होटल। Do you want to see the menu? मेरे को दूर से नहीं दिख रहा है बट आई एम श्योर वॉट इज हेयर। इफ यू वॉन्ट टू ईट द मेन कोर्स इज फ्रॉम 42 euros। लेट्स गो। अंदर इन लोगों का कोर्ट यार्ड बहुत बड़ा है। आईफिल टावर अभी जल्दी आपको देखना शुरू हो जाएगा, जस्ट इस पेड़ के पीछे है। राइड सम लवली एक्सपेंसिव कार्स। अभी थोड़ी देर पहले एक फरारी भी खड़ी थी यहाँ पे। ऑन द लेफ्ट यू हैव प्राडा। राइट क्योंकि अच्छा ये वीडियो मेरे लिए बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि कई लोग जो है टूरिज्म कैटलॉग देख के सिर्फ एवेन्यू द शांजलीज़े कवर करते हैं और एवेन्यू द मोंतान के बारे में उनको ज्यादा पता नहीं चलता है। सो आई वुड रियली लाइक यू गाइस जब भी पेरिस आ रहे हो तो शांजलीज़े एक बहुत ही कमर्शियल एरिया है, इस एरिया में भी जरूर आना क्योंकि यू रियली गेट टू सी द लग्जरी फ्रॉम वेरी यू नो नियर। सो दिस इज द बर्बरी शोरूम। आगे जाते हैं और हम अब एंड की तरफ आ गए हैं इस एवेन्यू के। ये एक थिएटर है, एज यू ऑल नो कि पेरिस थिएटर्स के लिए बहुत फेमस है, थिएटर्स सिनेमाज यू नो। एक थिएटर है यहाँ पे, मेरे को तो ज्यादा लोग कभी दिखते नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी थिएटर टाइप ऑफ पर्सन, आई एम मोर ऑफ अ बॉलीवुड पर्सन। सो गाइज एज यू कैन सी आईफिल टावर इज जस्ट देयर। तो हमने रफली 1.5 किलोमीटर वॉक करी होगी और उसके बाद आप आईफिल टावर की तरफ आना शुरू होते हो। यहाँ से आईफिल टावर आई थिंक 2 किलोमीटर होगा और इस तरफ का मेट्रो स्टेशन का नाम है अल्मा मार्सो। अच्छा अल्मा मार्सो वो ही ब्रिज है पेरिस में जहाँ पे लेडी डायना की कार का एक्सीडेंट हुआ था। तो वो अभी मैं पास से, चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। राइट गाइस जैसे दिख रहा आपको इस जगह का नाम इन लोगों ने प्लास डायना ही रख दिया है। 1997 में डेथ हुई थी उनकी यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा जो ब्रिज आपको दिख रहा है, इस ब्रिज के अंदर वो गई थी उनकी कार और नीचे एक पिलर है जिसमें जाके वो कार टकराई थी और लेडी डायना की उसकी वजह से डेथ हो गई थी। बहुत अजीब लगता है ना, एक रॉयल्टी जो आराम से अपना घूमते हुए जा रही है वो एकदम से एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे मर गई। आप जैसे देख सकते हो ये फ्लेम जो यहाँ पे लगाई गई है उनकी रिमेम्बरेंस के लिए है, उनको याद करते हुए लोग यहाँ पे ताले भी लगा के जाते हैं। राइट आई थिंक आई फिनिश माई वीडियो हेयर एवेन्यू मोंतान और अब हम थोड़ी देर बाद एवेन्यू द शांजलीज़े पे जाएंगे आपको दिखाने के लिए कि शांजलीज़े कैसा दिखता है पेरिस में। काफी लोग आना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों में एज ओलंपिक शुरू होने वाले हैं जुलाई एंडिंग से, तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं। मगर या आई विल ट्राई टू कीप यू पोस्टेड विद ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आई वुड लाइक टू लाइव स्ट्रीम द ओलंपिक्स फ्रॉम पेरिस, तो उसके लिए मेरे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। गाइज इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे फिनिश करती हूँ।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अलविदा टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद.